Are you getting 5 or 5.5 continuously in your writing and speaking module? Then, this is the video for you guys. यू आर नॉट डूइंग स्मार्ट वर्क यू आर जस्ट पुटिंग इन यूर एफर्ट्स बट दोज एफर्ट्स आर गोइंग इन वेन आपको बहुत ध्यान से काम करना है और थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना है सो so गाइज आप लोग क्या करते हो आप सोचते हो कि यू आर अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश फिर भी आप कॉम्पलेक्स सेंटेंसेज बोलना चाहते हो बहुत ज्यादा आपको इंग्लिश नहीं आती फिर भी आप सारे के सारे टेंसेज यूज करना चाहते हो सारी प्रपोजिशन यूज करना चाहते हो सो प्लीज़ डू नॉट डू दिस गाइज हर एक स्टूडेंट का लेवल डिफरेंट है आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा आ रही है तो वाई डू यू वॉन्ट टू डू एवरी सिंगल थिंग एसोसिएटेड विद ग्रामर इट्स बेटर यू जस्ट डू सिक्स टेंसेज इन ग्रामर एंड विद दीज सिक्स टेंसेज ओनली यू कैन ईजीली गेट सिक्स और 6.5 पॉइंट फाइव बैंड इन राइटिंग एज वेल एज इन स्पीकिंग सो ये सिक्स टेंसेज कौन से हैं और कैसे इन सिक्स टेंसेज से आपके इतना स्कोर आ सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज देखो जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था आइल्स में स्पीकिंग का सो डैट टाइम आई गॉट सेवन और मैंने यही टेंसेज यूज करे थे सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप लोग कर क्या रहे हो एक बेसिक पास्ट टेंस पास्ट सिंपल एंड पास्ट कॉन्टीन्यूस हमें दोनों चाहिए इन अ सिमिलर मैनर प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस फ्यूचर सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सो टू बी प्रिसाइज प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल एंड पास्ट सिंपल ये तीनों हमें सिंपल टेंसेज चाहिए ही चाहिए अलॉन्ग विद पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिकॉज वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है उसी की वजह से आपको पॉइंट फाइव बैंड एक्स्ट्रा मिलना है एंड दैट इज प्रजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस अब आप लोग ये सोच रहे हो कि मैम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज तो बनाने बहुत जरूरी है जब हम स्पीकिंग टेस्ट देते हैं तो और राइटिंग में भी राइटिंग में भी लिखना होता है हमें जो भी करना होता है ऐसे राइटिंग में तब भी ज़रूरी है आई जस्ट से वन थिंग यस इट इज़ इन डीड इम्पॉर्टेंट बट अगर आपको ये सिक्स टेंसेज ये नहीं आते

आई लाइक स्विमिंग आई लाइक टू ईट मैंगोस यू डो नॉट लाइक नाउ बट यू लाइक टू ईट ओके सो आप कह रहे हो कि आई लाइक टू इट सो पॉइंट वॉट इज दिस दिस इज पास्ट सिंपल टेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा पास्ट में आंसर करना है तो सिंपली स्पीकिंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कर दो एंड आपका वो टेंस वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एन डी एस ऑब्जेक्ट सो अगर ही शी इट है सो वी आर गोइंग टू यूज एस एन डी एस बट इफ इट्स आई यू वी दे तो हम एस एन डी एस नहीं यूज करेंगे ओके okay? कैसे आई लाइक टू ईट मैंगोज ओके शी लाइक्स टू ईट मैंगोज सो लाइक टू eat मैंगोज एंड लाइक्स I है तो लाइक like है शी है तो लाइक्स हो गया टेक केयर ऑफ दिस जब भी आपने किसी चीज की बात करनी है यू वॉन्ट टू से हैबिचुअल एक्शन है रेगुलरली मैं ये चीज करती हूं मुझे मैंगोज खाना अच्छा लगता है ता है ती है ते है वो आपका क्या है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस ओके सो ये हमें तब भी बोलना है जब भी उन्होंने पूछा वॉट डू यू डू वॉट डू लाइक टू डू वेयर डू यू वर्क वी आर गोइंग टू यूज दिस ओनली नाउ कमिंग टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस वेरी सिंपल मैं अभी क्या कर रही हूँ आई एम शूटिंग राइट नाउ आई एम शूटिंग अ वीडियो राइट नाउ और आई एम शूटिंग अ सेशन राइट नाउ ठीक है सो कर रही हूँ रहा है रही है रहे हैं इट इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आई एम शूटिंग अ वीडियो आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यही चीज में लेट से कल कर रही थी येस्टरडे सो so, मैं क्या बोलूंगी आई वॉज शूटिंग अडियो और आई वॉज शूटिंग फॉर अडियो एंड आई वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर सो वहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूस आ गया रहा था रही थी रहे थे अगर बेसिक्स क्लियर है ना आपको खाली यही सिक्स टेंसेस करने एंड इट्स माई गारंटी आपको सिक्स भी मिल जाएंगे यू कैन इवन गेट सिक्स पॉइंट फाइव इन योर टेंसेस आपके राइटिंग में स्पीकिंग में इजिली सिक्स सिक्स पॉइंट फाइव आ जाएंगे डैट्स माय प्रॉमिस नाउ कमिंग टू फ्यूचर सिंपल कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट विल यू डू व्हाट विल यू डू इन द फ्यूचर वेयर विल यू गो हाउ विल यू गो सिंपल विल आ गया विल मतलब फ्यूचर सो विल मतलब फ्यूचर आपने आंसर भी वैसे करना आई एल गो टू डेंटिस्ट आई गो फॉर शॉपिंग आल गो फॉर दिस जो भी आपने करना है वो आप बोलोगे जो मैं करने वाली हूं मैंने वो बोला मुझे एक्चुअली शॉपिंग के लिए जाना है तो मैंने बोल दिया आई एल गो फॉर शॉपिंग सो यू कैन ऑल्सो से वॉट यू विल डू सो दिस इज फ्यूचर सिंपल सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वो अब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन रिस्पेक्टिव ऑफ ही शीट कुछ भी होगा तो विल ही लगना है ओके नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रेजेंट परफेक्ट पर अब ये जो कॉम्बिनेशन है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों का कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट टेंस आई हैव हैव बीन बीन आई टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर मोर देन अ डेकेड अब यहां पे मैंने क्या करा आई हैव हैव बीन लग गया जो कि परफेक्ट टेंस में लगता है हैव बीन लगा दिया जो कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं आई हैव बिन टीचिंग स्टूडेंट फॉर मोर देन अकेट नाउ फॉर और सिंस इसमें जरूर लगता है फॉर लगता है कि जब हम एक सिंपल अगर हम बात कर रहे हैं वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस स्पेसिफिक पीरियड फॉर अ सर्टन पीरियड फॉर टेन ईयर्स फॉर टू ईयर्स फॉर डेकेड फॉर थ्री आवर्स फॉर फोर आवर्स तो हम यूज करते हैं फॉर बट इफ आई एम श्योर अबाउट अ पर्टिक्युलर ईयर पर्टिकुलर टाइम सो एल यूज सिंस सिंस फोर पी एम सिंस नाइनटीन नाइन्टी एट ओके सो उस केस में वी आर गोइंग टू यूज़ लाइक दिस नाउ वाइज इस सेशन में मैंने आपको सिक्स टेंसेज बताए हैं एंड इट्स माई प्रोमिस जो भी ये फाइव पॉइंट फाइव में या फाइव बैंड पे हैं आपके ईजिली सिक्स या सिक्स पॉइंट फाइव बैंड आ जाएंगे बस आप ये सिक्स टेंसेज बिल्कुल अच्छी तरह रिकॉल करो और टूडेज होमवर्क आपने क्या करना है ये जो सिक्स टेंसेज मैंने बताए हैं इनके ऊपर आपने सेंटेंसेस प्रिपेयर करने हैं टेंटेंस फॉर इच टेंो अब क्या होगा इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड यूल गेट बेटर एज वेल सो आइल्स इज नॉट डिफिकल्ट राइटिंग एंड स्पीकिंग डिफिकल्ट नहीं है खाली सिक्स के थ्रू आपका स्कोर आ जाएगा सो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट गाइज एंड थैंक यू वेरी मच आई होप यू अंडरस्टूड द सेशन एंड यून एन्जॉयड इट सो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जिन्हें आयल्स राइटिंग और स्पीकिंग में प्रॉब्लम आ रही है And consider subscribing to our channel if you have not subscribed yet. Thank you so much, guys.